टाइम ट्रैवल के बारे में आपने तो कभी न कभी जरूर सुना होगा। समय में यात्रा करना साइंस फिक्शन माना जाता था, पर सब कुछ बदल गया जब 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हर सिचुएशन में समय एक स्पीड से फ्लो नहीं होती है। समय अपने आप को धीरे या फिर तेज कर सकती है। टाइम की फ्लो एक्चुअली आपके स्पीड पर निर्भर करती है। ये सब बातें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसका मतलब टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अब ये कोई साइंस फिक्शन नहीं रह गया है। टाइम ट्रैवल दो तरीके के होते हैं। पहली, समय को तेजी से पार करके भविष्य में जाना, और दूसरी, समय में पीछे जाना। मैं हूँ फैक्टेक, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, समय आपकी स्पीड पर डिपेंडेंट होती है, तो समय यात्रा आपके स्पीड से ही पॉसिबल है। इस यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट है जो 299,337.984 किलोमीटर पर सेकंड है। मतलब आप इससे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल नहीं कर सकते हो। लॉज ऑफ नेचर आपको अलाउ नहीं करती है। मान लीजिए कि हम लोगों ने एक बहुत ही एडवांस्ड स्पेसशिप बनाया जो लाइट की स्पीड के 99% स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है। वो स्पेसशिप स्पीड लिमिट को तो नहीं तोड़ सकती, पर मान लीजिए कि वो स्पीड लिमिट के बहुत ही क्लोज पहुंच गई है, तो जानते हैं आप क्या होगा। उस स्पेसशिप की अंदर की स्पीड बाहर की दुनिया की कंपैरिजन में स्लो हो जाएगी। मान लीजिए आप उस स्पेसशिप में 1 जनवरी 2017 को बैठे और आपने 7 दिन तक ट्रैवल किया। स्पेसशिप के अंदर तो सिर्फ 7 दिन पार होंगे, पर जब आप स्पेसशिप से बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 साल पार हो गए और आप एक बिल्कुल ही अलग दुनिया देखोगे। मतलब हाँ, समय में आगे जाना पॉसिबल है अगर आप बहुत बहुत ही तेजी से ट्रैवल कर सको तो। जहाँ तक समय में पीछे जाने की बात है, ये एक ही तरीके से पॉसिबल है, और वो है वर्म होल। वर्म होल एक पैसेज है जो दो जगहों और दो अलग अलग वक्त को जोड़ती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि वर्म होल हमारे बीच ही मौजूद है, पर वो बहुत ही सूक्ष्म यानी छोटे लेवल पर एग्जिस्ट करती है। साइंटिस्ट का यह मानना है कि अगर हम किसी भी वर्म होल को कैप्चर करके मैग्नीफाई कर लें तो हम उसमें घुस के समय में पीछे जा सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी में ना उतनी रफ्तार वाली स्पेसशिप बनाना पॉसिबल है और ना ही वर्म होल को कैप्चर करने वाली मशीन बनाना पॉसिबल है, पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये सब पॉसिबल कर पाएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक फैक्टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं से इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।